गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश और मौर्य साम्राज्य के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, मतलब जो महाराज राज सम्राट अशोक थे उन्होंने अपनी जनता का मतलब अपने राज्य की जनता के लिए क्या क्या संदेश दिए थे। तो देखिए, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। मतलब जब लोगों को यहाँ पर खुशी होती है ना, तो वे क्या करते हैं अनुष्ठान, मतलब एक तरीके से यज्ञ हवन वगैरह पूजा वगैरह करते हैं। तो या कोई बीमार होता है कि या किसी की मतलब दीर्घायु के लिए वे कामना करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, मतलब उन्होंने बताया कि ये कर्मकांड किसी भी काम के नहीं हैं, चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर आप किसी दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो तो ये मतलब आपको उन्नति नहीं करेंगे। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं, और उन्होंने बोला कि मतलब ये लोग जैसे ये अनुष्ठान करते हैं किसी भी अवसर पर, है ना, तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से माने तो ये कब फलदायी होंगी, मतलब ये अच्छा फल कब देंगी, और तो देखिए कब देंगी। ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। मतलब वे व्यक्ति जो उनके घर पर उनके राज्य में उनके महलों में काम करते हैं हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर, जो हमसे बड़े हैं चाहे व्यक्ति किसी भी जाति का हो, अगर वो हमसे उम्र में बड़ा है तो क्या होगा, हमें उसका आदर करना चाहिए। और चाहे जानवर हो या कोई गरीब, हमें सब पर क्या करना चाहिए, दया करनी चाहिए। और जो ब्राह्मण होते हैं, जो श्रमिक, मतलब जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं होती, हमें उन व्यक्तियों को दान में देना चाहिए जिससे वे हमें अच्छे अच्छे आशीर्वाद या अच्छी अच्छी शुभकामनाएँ दें। अपनी धम्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। मतलब हमें अगर कोई व्यक्ति ऊंची जाति का है और वो जिस धर्म को मानता है वो अपने धर्म की तो प्रशंसा, मतलब अपने धर्म की तो अच्छाई करे, लेकिन दूसरे धर्म और नीचे जाति के लोगों को बुराई करे, तो ये क्या है, गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति मतलब अपनी ही धर्म की अच्छाई कर रहा है और दूसरे धर्म की बुराई कर रहा है तो क्या कर रहा है, एक तरीके से अपना ही नुकसान कर रहा है, मतलब एक तरीके से अपने ही धर्म की क्या कर रहा है, निंदा करवा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरों के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए, और हमें दूसरों के धर्म का आदर करना चाहिए, साथ में उनकी रीति रिवाजों नीतियों पर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सब धर्म के तरीके अलग होते हैं लेकिन क्या है, सबका मालिक एक, यही विचार है ना सबके। इसी विचार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने शब्दों में लिखा है, तो देखिए क्या लिखे हैं। उनके धर्मदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने जो आपने संदेश दिए हैं वो ऐसी भाषा में दिए हैं कि उनको सभी व्यक्ति आसानी से समझ सकते हैं जो आज के वर्तमान समय में भी, और हम उन संदेशों को अच्छे से सीख सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। ब्राह्मी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। मतलब जो आधुनिक भारत, मतलब अभी की जो वर्तमान लिपियाँ हैं जो भी
तो वो किस लिपि से हुई हैं उत्पन्न? ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं, मतलब ये अक्षर आ है इसको अलग अलग भाषाओं की लिपियों में बताया गया है। देखिए ये क्या है, आ है, लेकिन ये किस भाषा किस लिपि में लिखा है? आरंभिक ब्राह्मी में। किस में लिखा है? आरंभिक ब्राह्मी। और ये आ ये किस में लिखा है? देवनागरी हिंदी, जिसे हम वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं। ये किस लिपि में है? बांग्ला। किस लिपि में है? बांग्ला। ये मलयालम। ये किस में है? मलयालम। और ये किस में है? तमिल। इतनी बात सभी को समझ में आई? अन्यत्र, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। मतलब जब मौर्य साम्राज्य उभर कर सामने नहीं आया था, उससे पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण, दीवार को बनाना शुरू कर दिया था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। और इस दीवार को बनाने का क्या कारण था? उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। मतलब आगे जो, मतलब जब से ये निर्माण कार्य शुरू हुआ था, उसके आगे 2000 सालों तक इसका, मतलब इसको बनाना, इसके बनने का कार्य होता रहा। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं, क्योंकि अलग अलग राजा हुए तो उनकी क्या हुई, सीमाएं भी बदलने लगी। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। और यह कितनी किलोमीटर लंबी है? 6400 किलोमीटर लंबी है, तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। और यह दीवार किसकी बनी हुई है? ईंट और पत्थर की। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इसकी, मतलब जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर में, इसकी जो ऊपरी सतह है वो कैसी है? सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। और 6400 किलोमीटर लंबी चीन की दीवार को बनाने के लिए हजारों, मतलब हजारों श्रमिकों को काम करना पड़ा था। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। और मतलब हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर, मतलब 100 से 200 मीटर की दूरी पर बुर्ज बने हुए हैं, और उन पर उनके सैनिक तैनात रहते थे, जिससे वे आने और जाने वाले लोगों की निगरानी कर सकें। अब हम इसमें उपयोगी शब्द के बारे में जानेंगे। तो देखिए, साम्राज्य क्या है? साम्राज्य, और ये क्या होते हैं? राज्य से बड़े। क्या होते हैं ये? राज्य से बड़े। सेकंड दिया गया है राजधानी। क्या है? राजधानी। ये किसी राज्य की और साम्राज्य का मुख्य केंद्र होता है, जहाँ से सभी जगहों पर नियंत्रण रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? राजधानी। ये क्या है? थर्ड नंबर पर आपको दिया गया है अधिकारी। क्या है? अधिकारी। अधिकारी वे लोग होते हैं जो किसी राज्य में, साम्राज्य में के राजा के अंतर्गत काम करते हैं और उनको सूचनाएं देते हैं। संदेश वाहक, फोर्थ नंबर पर आपको दिया गया है संदेश वाहक। संदेश वाहक वे होते हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। प्रांत क्या है? प्रांत, मतलब राज्य का एक छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? प्रांत। धम्म, धम्म क्या होता है? धर्म। धम्म क्या होता है? धर्म, कि हम किस धर्म को मानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां क्या है? कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। इस चैप्टर में हमने सबसे महत्वपूर्ण तिथियां क्या थी? कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत है ना, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? 2300 साल से पहले। कब शुरू हुई थी? 2300 साल से पहले। तो अब तक हमने इस चैप्टर को अच्छे से समझा, इसमें उपयोगी शब्द और कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जाना। अब हम इसमें, इसकी एक्सरसाइज में हम फिलअप, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति और वाक्य सही हैं या गलत, इनको अच्छे से समझेंगे। आपको सेकंड नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थानों को भरो। क्या है? रिक्त स्थानों को भरो। इसमें फर्स्ट दिया गया है, जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी डैश वसूलते थे। एक बार फिर से पढ़ते हैं,
जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी टैक्स वसूलते थे। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो सम्राटों ने जो अधिकारी नियुक्त किए थे वो किसके लिए नियुक्त किए थे, क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य को ही देख रेख के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत थी और उनको हमें क्या देना पड़ता था, वेतन देना पड़ता था। और वो वेतन किस रूप में वसूलते थे लोगों से बताइए, उस वेतन को देने के लिए वो लोगों से क्या वसूलते थे, कर। क्या वसूलते थे, कर। तो हम इधर क्या फिल करेंगे, कर। सेकंड दिया गया है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में डैश के रूप में भेजा जाता था। क्या है, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में डैश के रूप में भेजा जाता था। मतलब जो सम्राट था वो एक राज्य को, राजधानी को और साथ में दो राज्यों को और देख सकता था, लेकिन उसका जो साम्राज्य था वो बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो वो उन प्रांतों में क्या नियुक्त करते थे, राजकुमारों को भेजते थे। लेकिन वो राजकुमारों को किन पदों पर नियुक्त करते थे, राज्यपाल। किस पद पर नियुक्त करते थे, राज्यपाल। और राज्यपाल का दूसरा नाम क्या है, गवर्नर। क्या है, गवर्नर। हम यहाँ पर या तो राज्यपाल लिख सकते हैं या गवर्नर भी लिख सकते हैं। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण डैश और डैश पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। जो मौर्य शासक थे आवागमन के लिए महत्वपूर्ण क्या थे उनके लिए, मार्गों, है ना, मार्ग थे। वो मार्गों से ये पता लगाते थे कि कौन कहाँ से आ रहा है। और किस पर नियंत्रण रखते थे, नदियाँ। क्या है, नदियाँ पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, क्योंकि आवागमन के लिए यही दो रास्ते थे जिससे लोग आते और जाते थे। नेक्स्ट लास्ट दिया गया है आपको, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को डैश दिया करते थे। एक बार फिर से, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को डैश दिया करते थे। क्या देते थे, कभी कभी लोग उन्हें क्या देते थे, सरप्राइज, मतलब एक तरीके से उन्हें क्या देते थे, नजराना। इधर हम क्या फिल करेंगे, नजराना। कितनी बात सभी को समझ में आई। थर्ड नंबर पर आपको एक्सरसाइज दी गई है, बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। इस पर आपको सही या गलत के निशान लगाने हैं और बताना है कि ये सही है या गलत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया है, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। क्या है, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। तो बताइए, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ था, कहाँ था बताइए, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ था या नहीं, नहीं। इस पर क्या लगाएंगे, गलत, क्योंकि उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत के तरफ था और उत्तर पश्चिम में क्या था, तक्षशिला। क्या था, तक्षशिला। सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया गया है, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। मतलब अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो कुछ इलाके थे वो पहले मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। यस, इधर क्या आएगा, सही। क्या है, सही, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान है अफगानिस्तान है उस समय क्या था, हमारा पूरा भारत एक था, है ना, तो उसके जो कुछ इलाके थे वो मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। थर्ड आपको दिया गया है, चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। थर्ड आपको दिया गया है, चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। क्या है ये स्टेटमेंट, रॉन्ग, क्योंकि अर्थशास्त्र बताइए किसकी पुस्तक है, ये तो आपने जीके में भी पढ़ा है, बताइए अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, कौटिल्य की, है ना। तो उसमें किसके विचार लिखे गए हैं, कौटिल्य या चाणक्य, दोनों एक ही है ना, उनके विचार लिखे गए हैं। तो लेकिन इसमें बोला गया आपको चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए, तो ये क्या होगा, रॉन्ग। और फोर्थ स्टेटमेंट आपको दिया गया है, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। बताइए जो कलिंग है वो बंगाल का पुराना नाम था, रॉन्ग। इधर क्या आएगा, गलत, क्योंकि जो कलिंग था वो बंगाल का नहीं उड़ीसा का प्राचीन नाम था।
लास्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। बताइए अशोक ने अभी जितने भी अभिलेख बनाए थे बनवाए थे वे किस भाषा किस लिपि में हैं? अभी ब्राह्मी लिपि में। तो क्या होगा ये स्टेटमेंट? यस। क्या होगा? यस। तो बच्चों आपका आज का होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से खुद से समझना है और साथ में रिक्त स्थान और सही या गलत अपनी सिस्टी की नोटबुक पर नीट एंड क्लीन राइट करना है। बाय।